अच्छा, आप भी डर रहे हो? क्यों, मैं तो तेरे सामने बैठा। तो फिर यहाँ आप कहे थे लखीमपुर खीरी में जो है अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा होगा, एक मंत्री का इस्तीफा नहीं करवा पाए आप लोग, जिसने आज किसानों को रौंदा। मैं प्रधानमंत्री हूँ जो इस्तीफा ले लूँ? जा प्रधानमंत्री से पूछ के अपराधी तेरी बराबर में कैसे बैठा। कैसे क्या कर रहे हो आप लोग फिर है? कैसा आंदोलन कर रहे तो क्या कर रहे हैं? हमको आतंकवादी है जो उनका बम फोड़ दे उनके जाके। अरे किसान है, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, मांग मान रहे हैं। ये तो तुम किसान आंदोलन में भी कहते थे कि 2 महीने हो गए, तब अब क्या होगा, 3 महीने हो गए, अब क्या होगा। अरे वापस तो कराए तो अरे जिसने किसानों को रौंदा कुचला, वो मंत्री उसका उसका बेटा उसको वो मंत्री बना हुआ है उसका बाप, और वो बाहर घूम रहा है आशीष मिश्रा टेनी। तो जाओ सरकार से पूछो ये सवाल, सरकार से पूछो। आप लोग की दम, आप लोग में दम नहीं है आंदोलन में? अरे आप में दम नहीं है कुछ का, कुछ ले अभी और कर ले, एक आधा और कर ले। ताऊ आप कह रहे थे कि मेरा ट्रैक्टर टैंक है, अभी तो कहते थे। हाँ तो क्या हो, टैंक बंद हो गया आपका? क्यों, जिस दिन अरे ट्रैक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ी, तुम ही कहते थे ताऊ दिल्ली नहीं जा सकते तो है, तो कहाँ बैठा मेरा किसान? 13 महीने तक इतने किसानों को कभी नहीं आने दिया दिल्ली में, लेकिन आज देख रहे हो आप किसान ही किसान नजर आ रहे चारों तरफ। तो डर गया मोदी, बस यही चाहूँ था मैं, आपको आने दिया ना, यही चाहूँ था मैं, डर गया। कितने अच्छे आप लोगों को दिल्ली में भी लाने दिया। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, जाओ जाके पूजा कर लो, मंदिर बना लो उसका। नहीं तो क्या संदेश देने आए ये इतने सारे किसान यहाँ पर पहुँचे हैं? ये बताने आए हैं कि हम दुखी हैं, जो आपने वादा किया उस वादे को पूरा करो, जो देश के लाल किले से देश का प्रधानमंत्री बोला था उन वादों को पूरे करो। कौन कौन वादा बता दीजिए। अगर आपके वादे पूरे नहीं किए तो आपने आंदोलन कैसे हटा लिया? क्यों थारे से पूछ के करेंगे क्या आंदोलन? क्या थारे से पूछ के हटाओगे? हमारी मर्जी, हम चाहे एक करे हम चाहे वो करे, हमारी मर्जी आपकी मर्जी, मर्जी क्या करे, ये करे अब वो मतलब क्या है? 2024 का चुनाव है, इससे पहले तैयारियां चल रही है क्या आंदोलन की? अरे हम क्या चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें चुनाव लड़ना होगा वो देखेगा। हमारा काम है अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना, और जब तक हमारे अधिकार पूरे नहीं होंगे, जब तक लड़ते रहेंगे, ये सरकार रहे चाहे दूसरी आ जाए, हमें इससे मतलब नहीं। आंदोलन का बिगुल फूक चुके आज से, आंदोलन का बिगुल तो फूका हुआ, हमारा रुका ही कब था, ये तो थोड़े दिन के लिए रेस्ट लिया था। क्या मतलब क्या लगता है कि ऐतिहासिक आंदोलन जो 13 महीना चला था फिर से वही चलेगा? उससे बड़ा भी हो सकता है और संसद पे होगा, संसद होगा, सावधान दिल्ली, और जितने भी तेरे पे बैरिकेडिंग लगाए जा सकते हो लगा लेना। ट्रैक्टरों के बम्पर मजबूत करा दिए गए हैं, सब किसान, देश का किसान, युवा, मजदूर सब तैयार रहे, कभी भी कॉल आ सकती है, और टंकी भरा के ट्रैक्टरों की और दिल्ली की तरफ को मुंह करके खड़े हैं। कितना ट्रैक्टर होगा इस बार है? इस बार कितना ट्रैक्टर? हमें जितने हैं हम पे उतने ही लाओगे, कोई मोदी का तो लावे ना। अच्छा आप लोग बार बार रोनर होते हैं कि किसानों की आमदनी नहीं बढ़ रही, वहाँ देखिए अडानी अंबानी कितना अमीर अमीर होते जा रहे हैं, क्या आप लोग कर रहे हैं? इसे ही तो कहते हैं, ये पत्रकारिता नहीं है, ये चाटुकारिता है। बात किसान की भाई की कर रहा और बात अंबानी पे पहुंच गया। नहीं आप लोग रोना, अरे उद्योगपतियों की सरकार है इसलिए तो उद्योगपतियों का बढ़ रहा। जाओ पूछो ना उनसे कि वो मशीन देश के हर नागरिक को दे दो ताकि सबकी आय बढ़ जाए। लास्ट में आप क्या कहना चाहोगे सरकार से, आज इतने सारे किसान? सरकार अपने वादे से जो मुकरी है उन्हें तुरंत पूरा कर ले, वरना देश के एक बड़े आंदोलन को झेलने के लिए संसद पे तैयार रहे। यूपी के किसान है, आए पूरा यूपी के किसान आए पूरा, कल तो पंजाब के दिखे, हरियाणा के दिखे। एक बात सुन, कभी भी देश के किसान को क्षेत्रवाद में मत बांटना, ये ध्यान रख। नहीं इसलिए पूछ रहे, यूपी का हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, उत्तराखंड का हो, हिमाचल का हो, कर्नाटक का हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब किसान एक है। तो किसान आज ताकत दिखाने आए हैं क्या कि फिर से मतलब आंदोलन? फिर ताकत, अरे जिस दिन ताकत दिखा दी ना सत्ता पलट जाएगी।